कोरोना वायरस के चलते पूरे ही पंजाब में लॉकडाउन कर दिया गया था। लॉकडाउन के चलते पंजाब के अलग अलग जिले से आए लोग काफी लंबे समय से अमृतसर में फंसे हुए थे, जिसके चलते आज अमृतसर से राहत भरी खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन से आज ट्रेन चलने की शुरुआत की गई, जिसमें आज अमृतसर से दो ट्रेनें रवाना हुई। पहली अमृतसर से हरिद्वार और दूसरी अमृतसर से दिल्ली के लिए चली, जिसके चलते लोगों का कहना है कि अपने परिवार और धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए वो आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो फंस चुके थे। मेरा नाम गुरदयाल सिंह जी। आज जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छत्तीसगढ़ जा रहा जी। पहले दिल्ली जा रहा, दिल्ली तो कल दी मेरी ट्रेन है 4 बजे दी छत्तीसगढ़ दी। बुकिंग कराई थी? हाँ जी। किस टाइम पे बुकिंग कराई थी? ये 3-4 दिन हो गया जी। आज नंबर लगा था? हाँ जी। की कहना चाहते लॉकडाउन दे चलते? लॉकडाउन दे चलते अहीं इहो कहना चाहुंदे आ कि बीमारी जिहड़ी आ घटनी चाहीदी है, आप दे लोकी काम ते जाण, गड्डियां चलन, ट्रेनां चलन, सारा सारे सुखी वसन जी। तुसीं अपने घर जा रहे हो कि काम जा रहे हो? मैं अपनी मदर नूं लैण जा रहा सी, 3 महीने हो गए उत्थे है, ते लॉकडाउन होण तों पहलां 3-4 दिन पहलां उत्थे पहुंचे सीगे, उस तों बाद लॉकडाउन हो गया, उत्थे जा के उदों बाद ढिल्ले हो गए, हुण मैं उहनां नूं लैण जा रहा। मैं अटारी बार्डर तों जी। मेरा भाई नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। कितना टाइम हो गया? मैं तो सर यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ 2 साल से पिछले। अभी लॉकडाउन हुआ उसमें फंस गए, फिर अब आज घर जाने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर काम करते हैं? नहीं नहीं, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। कितना टाइम हो गया? मेरे को तो 2 महीने रह गए हो गए यहाँ पे फंसे हुए, बाकी सारे फ्रेंड चले गए थे, बाकी मैं ही रह गया था अकेला, तो आज ट्रेन जा रही है तो जाते हुए बहुत खुशी हो रहा है। हमको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है बहुत कि घर जा रहे हैं अपने, लौट रहे हैं वापस। घर वालों से बात होती है? ना होती, घर वाले भी बहुत परेशान हैं। इधर कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब चीज़ सही था। बाकी कॉलेज ने भी साथ दिया, जो बाकी हमारे जिनके वहाँ पे रहते हैं हम पीजी में, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी, बाकी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। मेडिकल जाँच की आपको? हाँ, सब चीज़ हुई पड़ी, सब चीज़ हुआ, फिर हमको एंट्री दिया गया, फिर टिकट देखी गई हमारी, फिर हमको सीट पर बोला गया कि आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि 2 महीने बाद परिवार जा रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं घर पे, कैसे होंगे, कैसे क्या होंगे, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी सर। हाँ, 2 ट्रेन प्रशासन ने कल दित्तियां सीगियां, जिहड़ियां एक ट्रेन सवेरे 6:50 ते जिहड़ी ऑलरेडी जा चुकी है, उहदे ते 244 सवारियां गईयां सीगियां, उह ट्रेन अंबरसर टू हरिद्वार गई है। दूजी ट्रेन जिहड़ी आ फलाइंग मेल आ, इह तैयार आ, इह 11:50 ते चली जाणी, इहदे बारे अजे काउंटिंग नहीं हुई ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, GRP ਵੱਲੋਂ ਵੀ, RPF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਸਕੋਲਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।